नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज राष्ट्रवादी नेता और आरएसएस के प्रचारक विचारक आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है। इस जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं एक भारतीय जनता पार्टी के छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं नमन करता हूं। मित्रों, बहुत कम ही लोग पंडित दीनदयाल जी को जान पाते हैं। मैं बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मूलतः यूपी से थे और उन्होंने अपने बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रह चुके हैं और वैसे व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ संघ की शाखाओं में जाया करते थे और बाद में वो जब उनका उम्र जैसे जैसे बढ़ते गया और युवा अवस्था में जब वो आए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किए। उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको जुड़े थे और जुड़ करके काफी उन पर जिम्मेवारियां दी गई संघ की और उस समय से लेकर के जब आगे भी वो काम करते रहे तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से हट करके और 1951 में जब उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किए और जब 1952 में जब नागपुर में भारतीय जनसंघ के अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में गुरुजी जो कि गोलवालकर जी गुरुजी थे संघ के द्वितीय सरसंचालक, उन्होंने वहां पर इनको भारतीय जनसंघ में शामिल करवाए और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को महामंत्री दायित्व दिया गया और उस समय से 1968 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री के पद पर बने रहे जिनके नेतृत्व में काफी चुनावे हुई, उसके बाद जनसंघ अस्तित्व में आया। ठीक उसी के दौरान जब वो आगे बढ़ते गए जब आगे चल करके वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों उनको जुड़े, क्योंकि मैं बता दूं आपको एक रोचक तथ्य कि 15 प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में रखा गया था और 15 प्रस्ताव में 7 प्रस्ताव जो था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के था। सोचिए कि जो व्यक्ति अभी नए संगठन में जुड़े हैं और उनका 7 प्रस्ताव और इतने बड़े अधिवेशन में जोड़ लिया जा रहा है और उस अधिवेशन में उसको मुख्य रूप से आगे रख करके और चुनाव लड़ा जा रहा है और इतने बड़े विचारक व्यक्ति थे जिनका विचारधारा क्या था, उनका विचारधारा सिर्फ एक था कि हिंदू और हिंदुत्व के लिए उन्होंने जो भी काम किए हैं हिंदुत्व के लिए किए, आज उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना संघर्ष कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी लगभग 14-15 राज्यों में अपना सरकार बनाएगी, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे देश पर मुसलमानों द्वारा या हमारे देश पर अधिदायियों द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया गया है, हमको गुलाम बनाया गया है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाते हैं, ये बहुत दुख की बात है। आज जैसे कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मैं बता रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तित्व के वो धनी व्यक्ति थे जिनका स्वभाव एकदम सरल था, एकदम सलीन था। अपना उत्तराधिकारी बनाए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी काफी उनके कार्य को आगे बढ़ाए, आगे चल के वाजपेयी जी प्रधानमंत्री भी बने। तो ये रहा एक छोटा सा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का परिचय, क्योंकि आज मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को इस चीज से अनुसरण करना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को इस चीज से समझना चाहिए कि आखिर हमारा देश किस तरह के संघर्षों से गुजरा है, हमारा राष्ट्र पर किस तरह की विपत्तियां आई है, हमारे राष्ट्र पर किस तरह के लोग आक्रांताओं द्वारा अत्याचार किया गया है। इस पर आज के युवाओं को अगर चिंतन करेंगे और चिंतन के साथ साथ अगर विचार विमर्श करेंगे
तो आगे का भविष्य, आगे का भारत विकसित भारत बनेगा। और पुनः मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते मैं सब नमन करता हूँ।